गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे हैं आप? गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे। गाइज आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप पेटीएम में प्राइमरी बैंक कोई सा भी कैसे कर सकते हैं। यानी आपके दो बैंक हैं मैंने माना, एक एयरटेल पेमेंट बैंक है, सेकेंड है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक। तो गाइज आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में नहीं जा पा रहा है फोटो, यानी पैसे जो आप जो आपके पैसे आ रहे हैं गाइज, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आपके नंबर पर, एक ही नंबर पर वो दो लिंक है, और नंबर टू कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो आपका लिंक होगा प्राइमरी, और पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो प्राइमरी नहीं होगा आपका। आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप यानी आप जो आप चाहे वो बैंक प्राइमरी कर सकते हैं। तो गाइज बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइज छोटी सी वीडियो होने वाली है, कहीं से भी स्किप मत करना, नहीं तो आप बोलोगे कि वीडियो अच्छी नहीं थी। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज उसके लिए करना क्या है, आपको अपना पेटीएम ओपन कर लेना है। पेटीएम ओपन करने के बाद गाइज आपको यहाँ फिंगर या जो पासवर्ड है वो दे देना है। देने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको सामने वही ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा आपके जिस नाम से भी आईडी होगी, मेरी एन के लिखा हुआ दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपली तरीका बता देता हूँ मैं आपको। नीचे आ जाना है, जैसे ही यहाँ पर नीचे आएंगे आपको लिखी हुई दी जाएगी पेमेंट सेटिंग। पेमेंट सेटिंग में चले जाना है आपको। जैसे ही आप पेमेंट सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन दिख जाएगा यूपीआई एंड लिंकड बैंक अकाउंट। और गाइज यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है आपको। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा हुआ हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक, यानी अब जो भी मेरे नंबर पर, मेरे एक ही नंबर पर दोनों बैंक अकाउंट है। अगर गाइज आपके दो नंबर है और दो बैंक अकाउंट है अलग अलग, तो आपको प्राइमरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अकाउंट में ही जाएंगे। लेकिन आपके एक ही नंबर पर दो अकाउंट है, जैसे कि मेरे एक ही नंबर पर दो अकाउंट खुले हुए हैं बैंक में, तो गाइज मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक में जो भी पैसे भेजेगा इसमें जाएंगे। अब मुझे करना है एयरटेल पेमेंट बैंक गाइज, जो कि मेरे कोई भी पैसे भेजे मेरे नंबर पर तो एयरटेल पेमेंट बैंक में जाए, पेटीएम से, फ़ोन पे, या फिर पेटीएम से ही मान लो, पेटीएम से भेजे। तो गाइज मैंने आपको फ़ोन पे में ये बता रखा है कि कैसे प्राइमरी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा इस वीडियो का। गाइज आपको यहाँ पर करना है एयरटेल पेमेंट बैंक पर क्लिक। एयरटेल पेमेंट बैंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये लिखा हुआ आ गया एयरटेल पेमेंट बैंक एज ए प्राइमरी बैंक। तो गाइज ये प्राइमरी हो गया है। यस गाइज अगर आपके कोई भी पैसे भेजता है अब तो एयरटेल पेमेंट बैंक में ही जाएंगे, ना कि पेटीएम पेमेंट बैंक में। अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक कर दोगे तो आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में जाएंगे। तो गाइज अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है तो मैं सलाह दूंगा आप पेटीएम पेमेंट बैंक में ही रहे, क्योंकि इसके सर्वर बहुत ही अच्छे आते हैं, इसके डाउन नहीं होते। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।